हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम कोशिकांग को पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट कोशिकांग जो है वो है गोल्जी बॉडी। देखिए, हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े उनकी कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार विशेषता थी, कुछ ना कुछ विशेषता थी। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा तो उसे हमने कहा कि ये कोशिका का शक्ति ग्रह है। जैसे हमने राइबोसोम को पढ़ा तो उसे हमने कहा कि ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। ईआर को पढ़ा तो वो उसको हमने ये कहा कि ये जो है कोशिका का कंकाल बनाती है। इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी की भी एक विशेषता है, इसे स्त्रावी कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्रावी कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है, हम जब इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसका जो मुख्य फंक्शन है, इसका मुख्य कार्य जो है वो स्त्रावण करना ही है, इसलिए इसे स्त्रावी कोशिकांग भी कहा जाता है। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इसको इसका जो नामकरण है वो किसने किया, इसकी खोज किसने की और किन किन नामों से इसे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम खोज की। इसकी जो खोज की वो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम है? कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने इसकी खोज की, यानी कि गोल्जी बॉडी की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो कैमिलियो गोल्जी को दिया जाता है। कब खोज की? तो 1898 में इसकी खोज की। अब बात करते हैं कि इन्होंने इसकी खोज कहाँ पर की है, किस जंतु के अंदर की। तो देखिए, इन्होंने जो इसकी खोज की थी वो की थी उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू और बिल्ली की जो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं, उसके अंदर इनकी खोज की थी। उस समय इन्होंने, कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को नाम क्या दिया था? तो इनको नाम दिया था एपरेटो रेटिकुलर इंटरनो, यानी कि आंतरिक जालनुमा संरचना इसको नाम दिया था। लेकिन बाद में इन्हीं के नाम पर, यानी कि इनका नाम क्या है, कैमिलियो गोल्जी, तो इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया गोल्जी बॉडी। बॉडी यानी काय, और गोल्जी जो है वो नाम किसके किससे लिया गया, खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही इनका नाम रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वेकर। क्या नाम है? वेकर। इन्होंने इन्हें लिपोकोंड्रिया कहा, यानी गोल्जी बॉडी को वेकर ने क्या कहा? लिपोकोंड्रिया कहा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है अकशेरुकी और पादप कोशिकाएं, अकशेरुकी जीव और पादप कोशिकाओं में इन गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पादप कोशिकाओं और अकशेरुकी जो जीव है इनमें इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पादप कोशिकाओं में भी उपस्थित है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही ये उपस्थित होगी। और क्योंकि एनिमल सेल में तो गोल्जी बॉडी कहेंगे, और जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसमें इसे क्या कहा जाएगा? डिक्टियोसोम कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कुछ अन्य नाम की, कि इसके इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम है, क्या क्या नाम है? पहला है गोल्जी उपकरण, यानी इसे गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है, गोल्जी सम्मिश्र, बेकर्स बॉडी, इडियोसोम और लिपोकोंड्रिया, जो कि हमने पढ़ा कि लिपोकोंड्रिया किसने नाम दिया? वेकर ने दिया। तो ये कुछ इसके अन्य नाम हो गए, इस नाम से भी जो है गोल्जी बॉडी को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गोल्जी काय है इसे क्या कहा जाता है? प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग भी कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो गोल्जी बॉडी है, इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है, वो प्रत्येक, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सभी में इनकी जो संरचना होगी वो अलग अलग होगी। यानी किसी में समान संरचना नहीं होगी, एक जैसी संरचना नहीं होगी, सभी कोशिकाओं में इनकी संरचना जो है वो अलग अलग होती है। इसी कारण से गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होगी। जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ा जाता है, या जब हमने पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, तब हमने उसमें देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें कोशिकांग जो होंगे, कौन से कोशिकांग? झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित रहेंगे, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जो है वो उपस्थित होते हैं। यानी कि जिनके अंदर झिल्ली उपस्थित होगी वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहेंगे, और जिन कोशिकांग में झिल्ली अनुपस्थित होगी तो वो तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होंगे, और जिनमें झिल्ली उपस्थित है तो वो यूकैरियोटिक में भी कोशिकांग उपस्थित होंगे।
क्योंकि गोल्जी बॉडी जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इस वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होगी, ये उपस्थित होगी। अब बात करें कि ये कहां नहीं पाई जाएगी। हमने पढ़ा कि ये जंतु कोशिका में पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी, और यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये प्रेजेंट होती है। तो देखिए, अगर हम इसके अपवाद की बात करें या हम ये कहें कि ये किन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो ये कहाँ कहाँ अब्सेंट रहेगी, तो देखिए ये जो मनुष्य की जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, है ना, तो उसके अंदर ये आरबीसी में ये अब्सेंट होती है, उसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो कवक है यानी फंजाई जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये अब्सेंट होती है। नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और चालनी नलिकाओं में भी जो है गोल्जी बॉडी अब्सेंट रहेगी, उनमें ये नहीं पाई जाएगी। तो ये बात होगी इसकी हिस्ट्री और कि ये कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की संरचना की। तो देखिए गोल्जी बॉडी की जो संरचना है उसमें तीन पार्ट होते हैं, यानी कि इसकी तीन संरचनाएं होती है। उन तीन संरचनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। पहली जो संरचना होती है वो होती है सिस्टर्नी, दूसरी पुट्टिकाएं और तीसरी जो है वो नलिकाएं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टर्नी की। जो सिस्टर्नी है वो क्या होती है, तो देखिए जो गोल्जी बॉडी है उसका एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है जिसमें इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये लंबी सी इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये जो संरचनाएं है ये चपटे प्रकार की, ये संरचनाएं कहलाती है सिस्टर्नी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार की होती है, इनकी संरचना जो है किस प्रकार से होती है। तो देखिए ये संरचना जो है वो चपटी होती है, चपटी होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होगी, और कैसी होगी, थैले जैसी संरचना तथा अशाखित, यानी इनकी कोई भी है जो है वो शाखाएं नहीं निकली होती है, समानांतर होगी और अशाखित थैले जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये स्ट्रोक के रूप में 3 से 7 एक के दूसरे के ऊपर जो है वो स्थित होती है, यानी कि हम ये कहें कि एक गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 से 7 होती है, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होती है समानांतर रूप से। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी दो झिल्लियां उपस्थित होती है, इसी वजह से, क्योंकि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है इसलिए ये किसमें उपस्थित होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दो सिस्टर्नी है उसके मध्य का जो स्थान है, यानी कि ये एक सिस्टर्नी हो गई और ये एक सिस्टर्नी हो गई, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना होता है, तो देखिए इसके बीच का गैप होता है 20 से 30 नैनोमीटर का इनका गैप होता है। कितना होगा, 20 से 30, यानी दो सिस्टर्नी है तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 20 से 30 नैनोमीटर का स्थान इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो सिस्टर्नी है उसकी गुहा जो होती है उसका व्यास कितना होता है, यानी कि ये एक सिस्टर्नी है, इसकी जो ये गुहा है उसका एक गुहा का व्यास कितना होगा, तो इसकी एक गुहा का व्यास होता है 150 एंगस्ट्रम। कितना होगा, 150 एंगस्ट्रम व्यास की एक गुहा इसमें उपस्थित होती है। अब बात करते हैं कि ये जो सिस्टर्नी है उसकी दो सतह होती है, एक सतह होती है उत्तल और एक सतह होती है अवतल। एक तो होगी उत्तल, ठीक है, जैसे कि हम ये कहें कि उत्तल इस प्रकार से, और एक होती है अवतल इस प्रकार से, अवतल। तो देखिए बात करते हैं कि इनका जो केंद्रक के समीप वाला जो भाग होता है, यानी कि इनका जो उत्तल वाला भाग होगा कौन सा, ये, यानी कि यहाँ पर जो है इसका केंद्रक उपस्थित होगा, जो केंद्रक के समीप वाला जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं उत्तल सतह, जो केंद्रक की ओर होता है, और इसको क्या कहा जाएगा, इस सतह को क्या कहा जाएगा, फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, जो कहाँ होगा, केंद्रक की तरफ होगा, और जो कैसा होगा, उत्तल सतह, जिसकी सतह कैसी होगी, उत्तल यानी उभरी हुई, यानी कि ये आप देखिए कि ये जो है इस तरह से उभरी हुई सतह होती है नीचे की ओर, तो इस तरह से ये कैसी होती है, उत्तल सतह की सतह होती है, केंद्रक की ओर होती है, और इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली के समीप वाला जो भाग होता है, यानी इधर की ओर क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली की ओर जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं अवतल सतह, अवतल सतह होती है ना, और इसको क्या कहा जाता है, मैच्योरिंग फेस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मैच्योरिंग फेस इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिस्टर्नी होती है उसकी परिधि में सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। ये जो सिस्टर्नी होगी इनकी जो परिधि होगी उसमें किस प्रकार के होंगे, सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होंगे,
जिन्हें क्या कहा जाता है, फिनेस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फिनेस्ट्री। और इन्हीं फिनेस्ट्री के वजह से जो है वो जो द्रव्य होगा या कोई भी पदार्थ होगा वो आपस में एक्सचेंज होगा, एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहेगा। तो ये सिस्टर्नी है। देखिए जो नेक्स्ट संरचना जो हमें पढ़नी है इसकी, वो क्या है? पुट्टिकाएं। पुट्टिकाएं और नलिकाएं। पुट्टिकाओं को हम वेसिकल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और जो नलिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्यूबुल्स भी कहा जाता है। देखिए इस संरचना, ये जो गोल्जी बॉडी का जो डायग्राम बना है इसके अंदर ये पुट्टिकाएं इस प्रकार की होती है, और नलिकाएं जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो नलिकाएं हैं वो इस प्रकार की दिखाई देती है। देखिए पुट्टिकाएं कैसी होगी? तो गोलाकार होती है रचनाएं। ये कैसी रचनाएं हैं? गोलाकार है, इस प्रकार से गोल आकृति होती है इनकी। नेक्स्ट, इनके अंदर जो है वो पदार्थ भरे होते हैं। इनके अंदर क्या होंगे? पदार्थ संग्रहित रहेंगे, पदार्थ भरे होंगे। नेक्स्ट है, नलिकाओं के मुकुलन से जो है वो पुट्टिकाएं बनती है। जो नलिकाएं होती है इस प्रकार से उनके मुकुलन से, मुकुलन यानी कि इसके इसके अंदर क्या होगी? बडिंग होगी, यानी बड निकलेगी और उस मुकुलन से जो है इनका निर्माण होगा। तो ये पुट्टिकाएं होती है। नेक्स्ट होता है नलिकाएं। नलिकाएं है, नलिकाओं को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा नलिकाओं को जो है वो ट्यूबुल्स कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये परिधि पर स्थित होती है। देखिए ये परिधि के ऊपर स्थित है, ये परिधि की ओर स्थित होगी। और ये किससे जुड़ी होती है? तो ये किससे जुड़ी होगी? देखिए सिस्टर्नी से ये जुड़ी होती है, इस प्रकार से सिस्टर्नी से जुड़ी होती है, यानी कि ये परिधि पर स्थित होगी और किससे जुड़ी होगी? ये सिस्टर्नी से जुड़ी होगी। अब हम गोल्जी काय के जो कार्य है यानी फंक्शंस जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गोल्जी बॉडी के जो कार्य संबंधी जो क्वेश्चंस है वो बहुत यहाँ से बनते हैं। तो किस प्रकार से बन सकते हैं? तो पहले हम इसके कार्य पढ़ लेते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। पहला है इसका कार्य कि ये जो है गोल्जी बॉडी कोशिकीय पदार्थों का श्रवण एवं संचय जो है वो करती है। क्या करती है? क्योंकि हमने इसका जब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तब हमने पढ़ा कि इसको स्त्रावी कोशिकांग भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है? मुख्य जो इसका कार्य होता है पदार्थों का श्रवण करना। इसके अलावा ये जो क्या करती है? पदार्थों को संचय करके रखती है। हमने जब इसकी संरचना पढ़ी तब हमने देखा कि जो पुट्टिकाएं होती है उसमें पदार्थ भरे होते हैं, ये हमने उसका कार्य पढ़ा था। यानी कि ये क्या करती है? पदार्थों का श्रवण भी करती है और संचय भी इसका करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोल्जी काय द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। देखिए जब लाइसोसोम की संरचना हमने पढ़ी थी तो उसमें जो लाइसोसोम के प्रकार जब पढ़े जाते हैं तब उसमें हमने देखा था कि जो लाइसोसोम है, प्राथमिक जो लाइसोसोम होता है, वो प्राथमिक लाइसोसोम जो होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। इसलिए जो गोल्जी काय है उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण करना। जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगी? जंतु कोशिका के अंदर जब कोशिका विभाजन होगा यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी, उस समय इनकी जो कोशिका पट्टी बनेगी बीच में वो किस उसका निर्माण कौन करेगा? तो कोशिका पट्टी का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करती है। नेक्स्ट है, उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता, यानी कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है जो किसी काम के नहीं है, उनको बाहर निकालने का कार्य, कोशिका से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? गोल्जी बॉडी कार्य करेगी, यानी इसके अंदर ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक्रोसोम का निर्माण जो है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। देखिए जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु की संरचना हम पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसकी जो टिप होती है यानी उसके शीर्ष पर जो एक्रोसोम उपस्थित होता है, एक्रोसोम क्या करता है? जो कोशिका जो अंडक अंडाणु जो होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसका भेदन करने का कार्य करता है। तो ये जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिलेंड्रेट जंतु जो होते हैं, सिलेंड्रेट जंतु होते हैं उनके अंदर जो दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है, उन दंश कोशिकाओं में उपस्थित जो टॉक्सिन होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, जो अंडे की अंडे पर स्थित पित्तक झिल्ली है, जो अंडे के ऊपर जो पित्तक झिल्ली उपस्थित होती है उसका निर्माण कौन करता है? तो उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, हेमीसेलुलोज का निर्माण। देखिए हेमीसेलुलोज, हम कोशिका भित्ति को जब पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो जो हेमीसेलुलोज जो है उसका निर्माण भी कौन करेगा? उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी ही
करती है, यानी इसका निर्माण कहाँ पर होगा, गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। नेक्स्ट है कि गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, गैलेक्टोज और सियलिक एसिड आदि का संचय होता है। सियलिक एसिड यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन सभी का वहाँ पर संचय होता है, वहाँ पर स्टोरेज करके इनको रखा जाता है। तो आज हमने गोल्जी बॉडी को कंप्लीट किया है, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।